लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका दोस्त और होस्ट आदित्य जैन फिर से हाजिर हूं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हेयर फॉल, हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अंकल हो या आंटी। अगर हमारे बाल डेली बेसिस पर टूट रहे हैं तो उसका सीधा सीधा सबसे बड़ा कारण है कि हम हमारे लाइफस्टाइल और हमारे खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हम ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, जो एट द एंड हमारे हेयर लॉस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। साथ ही साथ हम होममेड हेयर पैक की बात करेंगे जो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स को कम करेगा और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग, सिल्की और शाइनी टेक्सचर भी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो जनरली हमारे जेंटलमैन और हैंडसम मुंडास करते हैं वो है वॉशिंग हेयर ऑन डेली बेसिस। अगर आप डेली अपने बालों को धोते हैं तो उसके नेचुरल ऑयल्स बालों में से निकल जाते हैं, जिससे हमारे बाल और ड्राई होते हैं एंड एट द एंड हेयर लॉस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो वीक में 2 या 3 बार या फिर ऑल्टरनेट डेज आप अपने बालों को धो सकते हैं, बट डेली इसे अवॉइड करें। सेकंड है, चूज सल्फर फ्री शैम्पू। देखो भाई, हर इंसान का हेयर टाइप अलग अलग तरह का होता है, किसी का ड्राई तो किसी का सिल्की, किसी का स्ट्रेट तो किसी का कर्ली। हमें शैम्पू हमारे बालों के अकॉर्डिंग परचेज करना चाहिए। एक बात अच्छे से ध्यान रहे, आपके शैम्पू में सोडियम लॉरल सल्फेट ना हो। ये एक ऐसा केमिकल है जो ना ही सिर्फ हमारे बालों को ड्राई करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को और ज्यादा हार्श बना देता है, जिससे हमारे हेयर फॉल, हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो जितना हो सके सल्फर फ्री शैम्पू का यूज करें। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं पर्सनली कौन सा शैम्पू यूज करता हूँ, साथ ही साथ आप और कौन से ब्रांड यूज कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्ड पॉइंट हमारी लिस्ट में है, वॉश योर हेयर प्रोडक्ट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप। अगर आप हेयर वैक्स, हेयर सीरम, हेयर मूस, हेयर स्प्रे या कोई भी बाल में प्रोडक्ट लगाते हैं अपनी स्टाइलिंग के लिए, तो उसे रात में सोने से पहले अच्छे से वॉश कर लें। इन सब प्रोडक्ट्स में केमिकल होते हैं जो हमारे पोर्स ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारे बालों को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती है और इस कारण हेयर फॉल शुरू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारी लिस्ट में है, हीट इज बैड फॉर हेयर। अगर आप डेली अपने बालों को धोते हैं तो वो तो गलत है ही, साथ ही साथ अपने बालों को गर्म पानी से धोते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा गलत है। गर्म पानी से हमारे पोर्स और ज़्यादा खुल जाते हैं और इससे हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। सेम वेज एक्सेसिव यूज ऑफ हेयर स्ट्रेटनर और ड्रायर आपके बालों के लिए काफ़ी हानिकारक है। अगर आप हेयर ड्रायर यूज करते भी हैं तो उसे दूर से यूज करें, जिससे हीट डायरेक्टली आपके स्कैल्प पर नहीं पड़ेगी और हेयर प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है, अवॉइड रबिंग योर हेयर। मैंने कई लोगों को देखा है, वो अपने बालों को सुखाने के लिए उन्हें निचोड़ देते हैं, झंझोड़ देते हैं। भाइयों और मेरे भाइयों की प्यारी बहनों, सिंपल सा लॉजिक है, जब भी हम बाल धोकर आते हैं हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और इस समय अगर हम बालों को जल्दी जल्दी सुखाएंगे तो उनका टूटना पक्का है। दोस्तों, बालों से हमारी पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है, तो इन्हें अच्छे से केयर करिए, अच्छे से ट्रीट करिए। सो अब जब भी अपने बालों को सुखाएं तो आराम से, धीरे धीरे, आहिस्ता से टावल की मदद से सुखाएं। सिक्स्थ पॉइंट हमारी लिस्ट में है, टेकिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हमें इन सब को किस लेवल तक ले जाना है ये हमारे ऊपर है। टेंशन ना ही सिर्फ हमारे बालों के लिए खराब है बल्कि हमारे ओवरऑल हेल्थ को भी खराब कर देती है। आखिर में एक कोट बोलना चाहूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, टेंशन इज हु यू थिंक यू शुड बी, बट रिलैक्सेशन इज हु यू एक्चुअली आर। दोस्तों, एक जिंदगी मिली है, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, खुलकर जियो, अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन करो। और अब बात करते हैं हाउ टू फिक्स हेयर लॉस प्रॉब्लम्स एट होम। फर्स्ट पॉइंट है, ऑयलिंग योर हेयर। ऑयलिंग करने से हमारे बालों को
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ऑयलिंग से ना ही सिर्फ डैंड्रफ की बल्कि प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है। आपके बालों की ऑयलिंग कोकोनट ऑयल, एलमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल से भी कर सकते हैं। बट याद रहे, ऐसे ऑयल यूज ना करें जिसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डली हुई हो। आप वीक में 3 से 4 बार अपने बालों की ऑयलिंग करें, साथ ही साथ जब भी ऑयलिंग करें ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना कर लें और फिर अपने बाल पर लगा दें, जिससे ये स्कैल्प पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ऑयलिंग करते समय बालों को धीरे धीरे मसाज दें, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और बाल भी नहीं टूटेंगे। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर अपने बालों की केयर करें, उसकी ऑयलिंग करें और अच्छे से मसाज जरूर करें। आप ऑयल को रात में लगाकर सुबह शैम्पू से भी धो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, अप्लाई अनियन जूस ऑन हेयर। अनियन जूस हमारे बालों को नरिश करने में मदद करता है, उन्हें अच्छा ग्रो होने में मदद करता है। ऑनियन जूस ना ही सिर्फ हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम से बचाता है, साथ ही साथ हमारे बालों के वापस ग्रो होने में मदद करता है, डैंड्रफ हटाता है और ग्रे हेयर से भी छुटकारा देता है। भाइयों और मेरे भाइयों की प्यारी बहनों, इसे बनाने का सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सा मेथड है, मतलब बच्चा बच्चा बना सकता है। सबसे पहले एक ऑनियन को छील कर काट लें, फिर एक मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसे अच्छे से छान लें, हमें इसके जूस की ज़रूरत है। फिर आप इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल डालें और लेवेंडर या रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड करें, ये ऑप्शनल है। एसेंशियल ऑयल से अनियन की स्मेल कम हो जाएगी। और फिर एक स्प्रे बॉटल में डाल दें, आपका ऑनियन जूस तैयार है। इसे लगाने के लिए एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, ये जूस को आपको स्कैल्प पर लगाना है। जितना स्कैल्प पर लगेगा उतना अच्छी ग्रोथ होगी आपके बालों की। फिर पूरे बालों में लगाकर जेंटली मसाज करें। याद रहे, अनियन जूस लगाने के बाद इसे आप फ्रिज में रखें, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। आप इसे वीक में 2 से 3 बार लगा सकते हैं, नहाने से 1 से 1.5 घंटे पहले। इसे 1 महीना लगाइए, 100% रिजल्ट आएगा और फिर कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा। थर्ड पॉइंट है, फूड फॉर हेल्दी हेयर। अपने बालों में ऑयलिंग करना, अनियन जूस लगाना, बालों को अच्छे से शैम्पू से धोना, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हमें अगर हमारे बालों को मजबूत बनाना है तो हमें और अच्छा खाना पीना होगा। हमारे बालों को केराटिन नाम का एक प्रोटीन चाहिए होता है, जिससे हमारे बालों की और ज़्यादा ग्रोथ होती है। और जब ये प्रोटीन कम पड़ जाता है तब हेयर लॉस, हेयर फॉल और हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, मटन, चिकन, फिश ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो स्पिनच, स्वीट पोटैटो, पनीर, सोया, मूंग, मोट चने और बहुत सारे आइटम्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप ले सकते हैं। पर एक फूड आइटम ऐसा है जो हमारे बालों को और घना और शाइनी और सिल्की बनाने में मदद करेगा, वो है आंवला। जी हाँ, आंवला। आंवला एक वंडर फ्रूट कहलाता है, जिसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। आंवला ना ही सिर्फ हमारे बालों को झड़ने से बचाता है, साथ ही साथ उनको नरिश करने में भी मदद करता है। आंवले को आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, चाहे आप आंवले की सब्जी बनाएं, आंवला पाउडर लें, आंवला कैंडीज लें, आंवला जूस लें या आंवला का मुरब्बा लें, पर अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। मैं पर्सनली आंवला मुरब्बा खाता हूँ सुबह सुबह दूध और च्यवनप्राश के साथ, आप भी खाइए। अगर आपको फैट लॉस, इम्यून बूस्ट और हेल्दी रूटीन जैसी वीडियोस और देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस कम्स टू द एंड ऑफ अ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, और सच में अच्छी लगी हो तो अपने भाई के लिए लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय। I'm gonna be
Yeah.